Hello everyone, today we will be discussing about the types of loading that comes under the steel structures. तो जब भी हमने आपको लोडिंग के बारे में बताया, तो अभी तक हमने जो मैकेनिक्स में डील किया था कि हमारे पास पॉइंट लोड है, UDL है, तो ये तो हमारी लोडिंग थी जो हमारी बीम में हमने बीम पे लग रही थी, कॉलम्स पे कौन सा लोड आ रहा था, ये हमने डिस्कस किया था. बट बेसिकली जो हमारे पास ओरिजिनली जो हम स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं उसमें हम लोड को कैसे डिफाइन करते हैं. पहली बात तो ये है कि हमने एक वर्ड यहाँ पे बोला है जैसे कि डेड लोड. तो डेड लोड है क्या? डेड लोड हमारा जैसे हम कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसके कितने सारे कंपोनेंट्स होंगे. देखिए, अब सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये आपकी बीम है, ओके, ये कॉलम्स है, ठीक है. तो डेड लोड के अंदर कौन सा लोड आएगा? डेड लोड वही लोड होगा जो कि सिर्फ इस बीम का वेट, सेल्फ वेट ऑफ द बीम, सेल्फ वेट ऑफ दिस कॉलम, सेल्फ वेट ऑफ दिस कॉलम. तो ओवरऑल जो इस स्ट्रक्चर का डेड लोड होगा, दैट इज द लोड वेट ऑफ दिस कंपोनेंट, वेट ऑफ दिस कंपोनेंट, वेट ऑफ दिस कंपोनेंट. तो इन कंपोनेंट्स का जो टोटल वेट होगा, दैट इज द डेड लोड ऑफ द स्ट्रक्चर. तो जब भी हम कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं और उसमें हमको जानना है कि उसका डेड लोड कितना है, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और उन कंपोनेंट्स का वेट हम निकाल सकते हैं. तो उसको बोलते हैं हम डेड लोड. तो पहली बात तो स्ट्रक्चर को जब हम बनाएंगे तो डेड लोड होगा कि नहीं होगा? होगा. तो जब जैसे अगर कोई सा भी स्ट्रक्चर बनाया उसमें बीम है, कॉलम है, तो इनका लोड होगा. तो जब भी डिजाइनिंग करेंगे तो हम डेड लोड को भी कंसिडर करके चलेंगे कि इतना लोड तो ऑलरेडी उस स्ट्रक्चर में होगा क्योंकि वो इतना कंपोनेंट से बना है, ठीक है. तो ये चीज आई आपकी डेड लोड के अंदर, ठीक है. और जो भी डिजाइनिंग की स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो आपको इंडियन स्टैंडर्ड कोड में मिलेंगी, दैट इज IS 875 पार्ट 1 में, जहां पे भी आपको डेड लोड की स्पेसिफिकेशंस देखनी होंगी. आप क्या करेंगे, IS कोड डाउनलोड करेंगे, दैट इज IS 875 पार्ट 1, जहां पे आपको डेड लोड की लिमिट्स पता हो कि कहां पे कितनी वैल्यू लेके चलनी है, डेड लोड कितना होगा उस कंपोनेंट का. अगर हम ये वाली चीज यूज कर रहे हैं तो उसका डेड लोड कितना होगा, तो वो डिफाइंड है आपके इस इंडियन स्टैंडर्ड कोड में 875 पार्ट 1, ठीक है. तो आपको एक तो ये कोड यूज करना आना चाहिए कि आपको अगर डेड लोड डिजाइनिंग करते हुए डेड लोड की रिक्वायरमेंट है तो आप कितनी वैल्यू उसकी रखें. उसके बाद सेकंड कैटेगरी में आते हैं आपके इम्पोज्ड लोड्स. अब इम्पोज्ड लोड्स कैसे होते हैं, जो स्ट्रक्चर पे लगाए गए हैं. अब जो ये स्ट्रक्चर बन गया है इसके बाद जो इसमें लोडिंग आएगी वो लोड्स को हम बोलते हैं इम्पोज्ड लोड्स. और वो किस इंडियन स्टैंडर्ड में डिफाइन है, IS 875 पार्ट 2. तो पार्ट 2 में जो आपका होगा इम्पोज लोडिंग के बारे में होगा. इम्पोज लोड कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका लाइव लोड, एक होता है क्रेन लोड, ठीक है, क्रेन लोड. यहाँ पे आ गया स्नो लोड, हाइड्रोस्टैटिक एंड अर्थ प्रेशर, हॉरिजॉन्टल लोड्स ऑन पैरापेट वॉल. अब ये चीजें है क्या, लाइव लोड, जैसे कि अभी हमने बात करी कि अभी ये स्ट्रक्चर बन गया. अब यहाँ पे सपोज आपकी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है, अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहेंगे, अब उनका जो लोडिंग होगा दैट इज दी कम्स अंडर दिस लोड, लाइव लोडिंग. फर्नीचर है, कोई मशीनरी है आपकी इस स्ट्रक्चर में रखी गई है, तो वो जो लोडिंग आएगी वो आपकी क्या आएगी, लाइव लोड के अंदर आएगी. और उसकी स्पेसिफिकेशन दी गई है पार्ट 2 में, IS 875 पार्ट 2 में. अब क्रेन लोड्स क्या है, क्रेन लोड वो लोड है, सपोज अगर हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, सपोज ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है. तो जब भी हम एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, क्रेन लगती है. तो ये फाउंडेशन है क्रेन की, ठीक है. अब ये ऐसे क्रेन यहाँ पे लगी है, अब ये डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स पे अगर काम कर रही है, पहले इस फ्लोर पे काम किया इसने, सेकंड फ्लोर पे, फिर थर्ड फ्लोर पे, इस तरह से. तो जैसे जैसे ये बिल्डिंग की हाइट बढ़ती जाती है, क्रेन की भी लेंथ बढ़ेगी, यहाँ से हाइट बढ़ेगी,
तो ये क्या करते हैं, ऑलरेडी ये अपने फाउंडेशन है यहाँ पे क्रेन की, बट ये क्या करते हैं, जैसे हाइट बढ़ेगी तो क्या होगा, विंड का लोडिंग भी बढ़ेगा यहाँ पे, विंड की लोडिंग की वजह से क्या होगा, ये डिसबैलेंस हो सकती है क्रेन। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो सपोर्ट्स रहता है उसको क्रेन को यहाँ पे सपोर्ट करते जाते हैं हर फ्लोर पे, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे क्रेन को सपोर्ट करते जाएंगे, तो ये वाला लोड क्या है, क्रेन का कुछ लोड हमारे स्ट्रक्चर पे आएगा, तो ये जो लोडिंग आएगी इस स्ट्रक्चर पे, इसको बोलेंगे क्रेन लोड्स। तो क्रेन लोड्स के लिए जब हम डिजाइनिंग करते हैं, कितनी वैल्यू उसकी रखेंगे कि क्रेन की वैल्यू हमारे की इतने लोड आएगा, जब हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं या इस स्ट्रक्चर को कर रहे हैं, तो कितना लोडिंग आएगा, तो वो स्पेसिफिकेशन आपकी आई एस 875 पार्ट 2 में। उसके बाद आपके पास आते हैं स्नो लोड। स्नो लोड अब हिली एरियाज में अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो स्नो लोडिंग कैसे, अब वहां पे कितनी लोड पड़ रहा है स्नो का, तो वहां पे हमको देखना पड़ेगा रूफ किस टाइप का है, स्नो की डेप्थ कितनी है, ठीक है, कितनी थिकनेस की स्नो वहां पे पड़ रही है। तो दीज थिंग्स कम्स अंडर द IS 875 पार्ट 4। तो स्नो लोडिंग को अगर हमें देखना है तो IS 875 पार्ट 4 में स्पेसिफिकेशंस गिवन है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितनी वैल्यू रखते हैं, किस कंडीशन में कैसे, तो ये सब इस इंडियन स्टैंडर्ड कोड में गिवन है। उसके बाद आती है बात आपकी हाइड्रोस्टैटिक एंड अर्थ प्रेशर। अब हाइड्रोस्टैटिक एंड अर्थ प्रेशर क्या होते हैं, सपोज कि मैंने ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी थी, तो मैंने पहले क्या किया यहाँ पे एक्सकेवेशन किया, ठीक है। अब ये ग्राउंड लेवल था, इससे नीचे हमने कंस्ट्रक्शन किया और यहाँ पे हमारी पार्किंग बनी, ये हमारे यहाँ पे हमने पार्किंग बनानी, ठीक है, बेसमेंट में। तो ये हमारी बेसमेंट में पार्किंग बननी थी, तो जब हमने ये वॉल यहाँ पे रिटेनिंग वॉल दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारी सैंड या सॉइल है, तो ये जो सॉइल इस वॉल पे प्रेशर लगाई, दैट इज नोन एज अर्थ प्रेशर। अगर इस वॉल की तरफ से यहाँ पे वाटर हो और ये वॉल इस वाटर को रोक रही हो, तो जो ये वाटर है इस वॉल पे प्रेशर लगाएगा, दैट इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो इन चीजों की वैल्यूज अगर हमको देखनी है, अगर हमारी इस कंडीशन में हम अपना स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो दैट कम्स अंडर इंडियन स्टैंडर्ड 875 पार्ट 5। पार्ट 5 में स्पेसिफिकेशन होगी हाइड्रोस्टैटिक एंड अर्थ प्रेशर, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है आपकी हॉरिजॉन्टल लोड्स ऑन पैराफिट। अब ये पैराफिट वॉल क्या होती है, जो ये हमारा टॉप फ्लोर, जो हमारा ये बिल्डिंग बन जाएगी, उसके बाद जो हमारा टॉप मोस्ट फ्लोर होगा उस पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पैराफिट वॉल देते हैं, ठीक है। ये जो पैराफिट वॉल होती है, ये जस्ट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन, अगर कोई यहाँ पर खड़ा है तो हाइट की वजह से वो क्या होगा, वहाँ पे अगर उसको चक्कर वगैरह आएगा तो ही कैन होल्ड दिस, और कोई एक्सीडेंटली यहाँ से गिर ना जाए, तो इन चीजों के लिए हम यहाँ पे एक पैराफिट वॉल देते हैं। पर यहाँ पे छोटे छोटे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर दो फ्लोर की बिल्डिंग्स में, तो यहाँ पे अगर हम पैराफिट वॉल देते हैं तो उसका इतना ज्यादा डिजाइनिंग पर्पस नहीं आता। बट जब हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग डिजाइन करते हैं, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है स्टोरीज की, तो वैसे वैसे विंड प्रेशर बढ़ता जाता है। अब विंड प्रेशर बढ़ेगा तो ये विंड प्रेशर देखने के लिए हमें ये चीज देखनी पड़ेगी, इस वॉल पे विंड का कितना लोडिंग आ रहा है, तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा विंड लोड कितना है। तो विंड लोड जो है हमारा किस में आता है, IS 875 पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 को देखेंगे हम कि अगर फिर विंड वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, विंड लोडिंग डिजाइन वेलोसिटी देखेंगे, उस हिसाब से हम ये पैराफिट वॉल डिजाइन करेंगे, ठीक है। फिर आते हैं हमारे अर्थक्वेक लोडिंग। अर्थक्वेक लोडिंग आती है हमारी IS 1893 में। तो ये अलग से एक सब्जेक्ट ही है आपका अर्थक्वेक लोड, तो इसका आपको ज्यादा जानने की यहाँ पे अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। जो आपको बेसिक नॉलेज चाहिए था लोडिंग का, वो मैं दे रहा हूँ। उसके बाद 5 एक्सीडेंटल लोड्स। एक्सीडेंटल लोड्स के अंदर कैसी लोडिंग आती है, जैसे जिन लोडिंग के लिए हम सपोज डिजाइन नहीं कर रहे हैं, सपोज आप कोई ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं, अब यहाँ पे आप कोई मशीनरी लेके आए जो आपको इस फ्लोर पे लगी, ठीक है। अब वो क्या हो गया, जैसे ही आपने यहाँ से स्टेयरकेस से आप इस मशीन को ले जा रहे हैं, वो सडनली क्या हो गया, गिर गई, तो जो यहाँ पे लोडिंग आएगी, या ये इतनी हैवी मशीनरी थी उसके लिए हम ये लोडिंग डिजाइन करें, तो एक्सीडेंटल लोड्स कभी भी आ सकते हैं।
सडन जिनके लिए हमने तैयारी नहीं करके थी, तो उसको भी हम लेके चलते हैं डिजाइनिंग में कि एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ सेफ्टी कि अगर कोई एक्सीडेंटल लोड्स आ जाए तो हमको कितनी वैल्यूज से डिजाइन करना चाहिए अपना स्ट्रक्चर। तो इस तरह के लोडिंग आपके स्ट्रक्चर पे लगती है। तो अब ये कैलकुलेट कैसे होती है, थोड़ा बेसिक नॉलेज मैं उनको दे देता हूँ। डेड लोड क्या है? डेड लोड मैंने अभी आपको बताया कि इट इज द यूनिट वेट ऑफ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर। सो यूनिट वेट और इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग मटीरियल्स, तो यूनिट वेट जो है इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग मटीरियल्स का ये गिवन है। सपोज कि आप कोई एस्बेस्टोस शीट्स यूज करते हैं तो उसका यूनिट वेट जो होगा 0.130 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमने IS कोड से दी है। और डेड लोड की स्पेसिफिकेशन कहाँ से मिलेगी? पार्ट वन से, IS 875 पार्ट वन। उसके बाद प्लेन कॉन्क्रीट, उसकी वैल्यू 24 किलो न्यूटन पर मीटर की, यहाँ पे पर मीटर की। तो ये वैल्यूज हमने इंडियन स्टैंडर्ड कोड से आपको दी है। RCC है तो 25 किलो न्यूटन पर मीटर, ब्रिक मेसनरी बना रहे हैं 20 किलो न्यूटन पर मीटर, सीमेंट प्लास्टर कर रहे हैं 20 किलो न्यूटन पर मीटर, स्टील है 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर, ग्रेनाइट स्टोन मेसनरी बना रहे हैं। तो इस तरह से आप कितनी भी जो आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी वैल्यूज आप डेड लोड की वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग दिस इंडियन स्टैंडर्ड। उसके बाद आता है आपका लाइव लोड। ठीक है, अब लाइव लोड्स में क्या आ जाते हैं, जैसे लिविंग रूम है आपका, लिविंग रूम की वैल्यूज जो हम लेके चलते हैं, लिविंग रूम आपने बनाना है 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो जितने भी मीटर स्क्वायर का आपका एरिया के हिसाब से आपका लिविंग रूम है, उसके हिसाब से आप उसका लिविंग रूम का लोड आ जाए। फिर किचन में 3 किलो न्यूटन पर मीटर से वहां पे थोड़ा ज्यादा लोडिंग आएगी, सिलेंडर रखोगे, ठीक है, राशन रखोगे, दैट इज नोन एज किचन में हमको ज्यादा लोड चाहिए थोड़ा। डाइनिंग रूम में और ज्यादा थोड़ा फर्नीचर्स आएगा, ठीक है। ऑफिस 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर, स्टोर रूम्स बनाने तो वहाँ सबसे ज्यादा क्योंकि वहाँ पे स्टोरेज का सामान ज्यादा होगा। बाथरूम एंड टॉयलेट सिंगल पर्पस के लिए यूज होगा तो वहाँ पे ज्यादा लोडिंग की जरूरत रिक्वायरमेंट नहीं है। कॉरिडोर्स एंड स्टेयर के उसके 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बालकनीज के लिए 4 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये ऐसे करके बहुत सारी चीजें का लोड है आपको इंडियन स्टैंडर्ड कोड में। ये जो बेसिक नॉलेज के लिए मैंने आपको इतनी वैल्यू प्रोवाइड करी। अगर किसी को एक्स्ट्रा इसमें लोडिंग के बारे में जानना है वो ये कोड्स डाउनलोड करे और वहां से वैल्यूज चेक कर सकता है। उसके बाद है विंड लोड। विंड लोड के लिए हम कैसे डिजाइन करते हैं? सपोज ये विंड लोडिंग के लिए हमने क्या बताया था, IS 875 पार्ट 3। तो उसमें ये फॉर्मूला गिवन है, VZ = K1 K2 K3 VB। VB की जो वैल्यू, दैट इज नोन एज बेसिक विंड वेलोसिटी। अब जैसे हम इंडिया में बात करें तो अलग अलग जगह में अलग अलग तरह की विंड वेलोसिटी होगी। तो बेसिक वहां की क्या वेलोसिटी है पहले हम वो जान लेंगे। वो जानने के बाद ये कोड देखेंगे। कोड में डिफरेंट वैल्यूज गिवन है, रिस्क फैक्टर्स। K1 क्या है रिस्क फैक्टर, उसकी वैल्यू कितनी होगी। K2 क्या है कोफिशिएंट बेस्ड ऑन टेरेन हाइट एंड स्ट्रक्चर इन साइज, कहाँ पे आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, क्या टेरेन है क्या हाइट का हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो वहाँ पे K2 की वैल्यू कितनी रखनी है ये हम कोड से देखेंगे। K3 टोपोग्राफी कैसी है, तीनों वैल्यूज हमको पता लग गई। K1 K2 K3 VB हमने देख लिया था, VZ आ जाएगा, दैट इज नोन एज डिजाइन स्पीड ऑफ विंड। डिजाइन किस विंड स्पीड के लिए हमको डिजाइन करना है स्ट्रक्चर। विंड प्रेशर आ जाएगा, दैट इज गिवन बाय 0.6 VZ स्क्वायर। तो इस तरह से हम विंड लोडिंग निकाल देते हैं। तो ये चीज तब आएगी जब हम डिजाइनिंग में बात करेंगे, तब हम ये कोड से जानने की कोशिश करेंगे। अभी जो हमारा लोडिंग इस स्ट्रक्चर में आ रहा है, ये टाइप्स ऑफ लोड्स जो स्ट्रक्चर में लगते हैं वो मैंने आपको बताया, और ये लोड कैलकुलेट कैसे होते हैं ये चीज आप कोड्स डाउनलोड करिए, उसमें वैल्यूज चेक करिए एक बार। फिर आता है आपका लास्ट स्नो लोड। अर्थक्वेक लोडिंग का अभी हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ही वास्ट टॉपिक हो जाएगा। अब वो आपके स्ट्रक्चर में अभी जो सिलेबस है स्ट्रक्चर का स्टील का, उसमें ये ज्यादा कवर्ड नहीं है। तो इसलिए जो अभी इसमें हमारे को नॉलेज के लिए चले थे वो मैंने आपको बेसिक में बताया था कि अर्थक्वेक लोडिंग के लिए आपको 1893 डाउनलोड करना पड़ेगा और उसमें वैल्यूज चेक करनी पड़ेगी अर्थक्वेक लोडिंग की। वैसे ही हम स्नो लोडिंग की बात करते हैं। स्नो लोड के लिए एक फॉर्मूला गिवन है कोड में, S = μS0। एस क्या है, स्नो लोड ऑन द प्लेन एरिया ऑफ रूफ, म्यू क्या है शेप कोफिशिएंट, एस नॉट क्या ग्राउंड स्नो लोड। तो इस तरह से हम स्नो लोडिंग निकाल सकते हैं। और स्नो लोड के लिए मैंने आपको कोड बताया था, दैट इट इज ऑन IS 875 पार्ट 4। ठीक है, इस तरह से आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड एक्ट करते हैं स्ट्रक्चर में
और ये वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस कोर्स। तो ये आपको अब क्लियर हो चुका होगा कि कौन कौन से लोड हमारे स्ट्रक्चर पे लगेंगे और कौन कौन से कोर्स हमारे रिक्वायरमेंट में आएंगे। तो आई होप यू ऑल गॉट दिस कॉन्सेप्ट बिहाइंड द लोडिंग। और ये सारे जितने भी आपके इंडियन कोर्स हैं ये आपको डाउनलोड करने हैं और उनको पढ़ना स्टार्ट करना है। सो थैंक यू वेरी मच।